नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी है। तो आज मुझे आपको मास्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। जैसे कि आप जानते ही हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस जैसे कि कोरोना वायरस, ये मेनली हमारे अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही टारगेट करते हैं। तो ऐसे टाइप के एरोसोल्स या ड्रॉपलेट से बचने के लिए हमारा मास्क का उपयोग करना क्रूशल है। तो मास्क भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स दो मेन प्रकार के मास्क का उपयोग करते हैं। सबसे पहला है N95 बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, काफी सारी इन्फेक्शियस पार्टिकल को ये रोक सकता है। तो इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव या सस्पेक्ट पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, या अगर हम लोग ऐसा कोई प्रोसीजर करते हैं जिसमें कि बहुत सारे एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इंट्यूबेशन हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, ब्रोंकोस्कोपी हो गया। तो ऐसे प्रोसीजर्स में N95 यूज करने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा एक है मेडिकल मास्क, जिसको हम लोग सर्जिकल थ्री प्लाई मास्क भी बोलते हैं। ये नॉन वोवन मटेरियल से बनता है, काफी फ्लूइड रेजिस्टेंट है एंड ये एडिक्वेट प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस मटेरियल विच इज एमिटेड ड्यूरिंग कफिंग या स्नीजिंग। तो ये भी मार्केट में रेडिली अवेलेबल मिलता है, काफी लोग इसका उपयोग करते हैं, बट आइडियली दिस शुड बी रिजर्व फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो आपको इसको रिमूवल और पहनने का भी तरीका आना चाहिए। जब आपने इसको पहन लिया है, बाहर के एरिया को आपको टच नहीं करना है। अगर आप टच करते हैं तो आप अपने हाथ जरूर धोइएगा, और एडजस्ट कभी भी करना हो तो आप इसके स्ट्रैप्स का जरूर इस्तेमाल करें। बाकी पब्लिक के लिए, जैसे कि जिनको कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्ट के साथ जो लोग डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के लिए मैं क्लॉथ मास्क का रिकमेंडेशन बिल्कुल दूंगी। CDC भी इसको रिकमेंड करती है। ये अच्छे से जल्दी से बन जाता है, कोई भी टाइप का अच्छा क्लॉथ फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो मास्क हम लोग ने बनवाया है, ये पोलो का खुद का मास्क है। जिस कपड़े से हम लोग सर्जिकल ग्राउंड क्रिएट करते हैं, उस कपड़े का इससे हमने मास्क बनवाया है। क्लॉथ मास्क ऑल्सो गिव्स एडिक्वेट प्रोटेक्शन, बट ये N95 या मेडिकल मास्क नहीं है, ये डिस्पोजेबल भी नहीं है, इसको आप रियूज कर सकते हैं, ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो जैसे कि आपने इसको यूज किया है, तो उसके बाद आप इसको नॉर्मल लॉन्ड्री डिटर्जेंट में गर्म पानी के साथ धोइए, और इसको अच्छे से धूप में सुखाने के बाद आप इसको नेक्स्ट दिन भी पहन सकते हैं। तो घर में अगर किसी को खांसी या सर्दी है तो वो जरूर इसका उपयोग करिए। और अगर आप ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि फार्मेसी हो गई, ग्रोसरी मार्केटिंग हो गई, तब आप क्लॉथ मास्क का बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग कीजिए। और मास्क किसको किसको नहीं पहनना चाहिए, छोटे बच्चे जो 2 साल से छोटे हैं उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई अनकॉन्शियस है या इनकैपेसिटेटेड है, खुद से अपना मास्क नहीं बदल सकते हैं, उनको पहनने की जरूरत नहीं है। तो इसका आप अगर उपयोग करेंगे तो भी आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिलेगी। N95 एंड मेडिकल मास्क भी बहुत सारे लोग, आम जनता भी पहन रही है, वो ठीक है, लेकिन आइडियली अगर आप क्लॉथ मास्क भी पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मास्क का उपयोग अच्छे से कीजिए, बाहर का एरिया आपको टच नहीं करना है, उसको आप स्ट्रैप से एडजस्ट कीजिए। और जैसे कि ये रियूजेबल मास्क है, ये डिस्पोजेबल मास्क है, इसको आप एक दिन से ज्यादा मत पहनिए। हैवी सॉइलिंग हो जाने से आपको इसको तुरंत डिस्कार्ड करना चाहिए। ऐसे मास्क का ज्यादा प्रयोग करने से हमारे एनवायरमेंट पे भी लोड पड़ता है, बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो क्लॉथ मास्क उस केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। टी शर्ट या बैंडाना से भी ऐसा मास्क बनाया जा सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप क्लॉथ मास्क का ज्यादा प्रयोग कीजिए, अगर आप डायरेक्टली कोविड सस्पेक्ट या पॉजिटिव पेशेंट के साथ डील नहीं कर रहे हैं। तो थैंक यू।